हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है इसकी शुरुआत हो रही है सुबह से। हस्बैंड ड्यूटी पर जा चुके थे और अभी मैं पिकू को उठा रही हूँ। अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल में, उसके पहले थोड़े बहुत कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं तो उसी में पिकू ने जो है ना पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो पिकू ने जो है ना पंजाबी सॉन्ग में पार्टिसिपेट किया है, तो उसको पंजाबी लुक आज जो है ना क्रिएट करके जाना है। तो इसीलिए मैंने आज पिकू को जो है ना थोड़ा सा जल्दी उठा लिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जो है ना थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो मेरी आँख खुली तो मैं उठ गई, तो मैंने पिकू को भी आवाज़ दे दी कि चलो उठ जाओ करके। और आज उसका टिफ़िन वगैरह बनाना था, काफ़ी टाइम था। मैंने उसके लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया, उसके साथ साथ मैंने अपने लिए भी बनाया। पता नहीं आज मुझे क्यों भूख लग रही थी सुबह सुबह, तो मैंने पिकू को भी दूध पराठा खिला दिया। साथ ही में मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली थी और चाय के साथ पराठा खा रही हूँ। टप्पू अभी सोया हुआ था, तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के जो है ना अपना नाश्ता कर रहे थे। पिकू ने जो है ना जो डांस में पार्टिसिपेट किया है ना, उसमें उसको पंजाबी लुक के लिए सलवार चाहिए था। ये वाला जो है ना मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टिच किया था, मैंने मे बी किसी व्लॉग में भी दिखाया होगा। तो मैंने घर में स्टिच किया था, तो जब डांस की प्रैक्टिस चल रही थी तब टीचर ने जो है ना मंगवाया था कि अगर आप लोगों के पास पटियाला हो तो लेके आइएगा। तो मैंने पिकू के हाथ में ये भिजवाया था, तो टीचर ने कहा था कि ठीक है ये बहुत अच्छा है, ये चलेगा। तो बस पिकू को वही पहना के रेडी कर दिया है। उसके बाद में और जो है ना काफ़ी टाइम बचा हुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम लोग आज जो है ना थोड़ा जल्दी ही उठ गए थे। तो मैंने जो है ना पिकू को थोड़ी देर पढ़ने के लिए बिठा दिया। मैंने कहा कि चलो आधा घंटा बाकी है, तुम थोड़ा देर पढ़ लो, तब तक मैंने जो है ना अपना वीडियो में जो है ना थोड़ा सा एडिटिंग का काम बचा था तो मैंने वो एडिट कर लिया। और उसके बाद में मैं आ गई थी पिकू का टिफ़िन पैक करने के लिए। आज पिकू के स्कूल में जैसे कि मैंने बताया प्रोग्राम है, तो ज़्यादा देर स्कूल नहीं रहेगी, तो लंच ब्रेक कुछ नहीं होता है, बस स्नैक्स वाला जो है ना एक ब्रेक मिलता है 5 या 10 मिनट का। तो उसके लिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा जो है ना ये नमकीन और एक क्रीम बिस्किट का जो पैकेट है वो उसके टिफ़िन में डाल दिया है। हल्का सा थोड़ा थोड़ा जो है ना मैंने उसको ये जो है ना खोल के डाला है, ताकि पिकू को थोड़ा आसानी हो जब वो खाते टाइम पे जो है ना उसको खोलने की ना दिक्कत आए। और अगर पूरा खोल के डालूंगी तो फिर वो है ना थोड़ा सा ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा आ जाता है नमकीन वगैरह, इस वजह से। तो बस उसका टिफ़िन पैक हो गया था, मैं उसको रेडी करने बैठ गई थी और पिकू काफ़ी आवाज़ कर रही थी। बच्चों को जो है ना ऐसे कुछ सब सारी चीज़ें चूड़ियाँ ये वो पहना के रेडी करो ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे। तो इस चक्कर में जो है ना पिकू ने बहुत चूड़ियों का वगैरह आवाज़ करने की वजह से टप्पू उड़ गया, नींद से उठ के आ गया था। और बच्चों को वही है ना, नींद से उठते से ही मम्मा की गोदी चाहिए होती है, तब टप्पू को भी लेना था और पिकू को भी जो है ना रेडी करना था, क्योंकि अभी लास्ट का मिनट जो था ना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही थी। तो फिर मैंने टप्पू को भी गोदी में ले लिया, साथ ही साथ में पिकू को भी ये कर रही हूँ मैं, रेडी कर रही हूँ। तो अभी डांस है तो इस हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट मैं कोई मेकअप वेकअप जैसे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट कुछ भी नहीं लगाती हूँ बच्चों को। थोड़ा सा आईलाइनर और लिपस्टिक ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो चाहिए ही, वरना मतलब लुक कैसे आएगा। तो इस तरीके से पिकू को मैंने रेडी कर दिया है। इसके साथ में परांदा और जैकेट जो है वो स्कूल से मिलने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने पैसे पे कर दिए हैं टीचर को। तो स्कूल में जाने के बाद में टीचर जो है ना परांदा लगा देगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से जो है ना पंजाबी हेयर स्टाइल भी उसको करके दे दी है। तो हम लोग जो है ना पिकू को छोड़ के स्कूल में जो है ना वापस आ गए हैं। पिकू एकदम हैप्पी थी, क्योंकि जो है ना उसको मेकअप वेकअप करना ऐसे मतलब ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। और यहाँ पे टप्पू भी है, हाय हाय। तो टप्पू भी आया था आज, रोज़ टप्पू उठता नहीं है, 9, 9:30, 10 बजे के आसपास उठता है, बट आज पता नहीं टप्पू भी जल्दी उठ गया, क्योंकि पिकू जो है ना चूड़िया उड़िया पहन के थी ना, तो बहुत ऐसे बजा रही थी चूड़िया, उसको बहुत पसंद है पिकू को चूड़िया पहनना। जब भी वो चूड़िया पहनते ना ऐसे ऐसे हाथ करते तो बहुत साउंड हो रहा था ना, तो इस वजह से मे बी ये उड़ गया है। तो हम तीनों भी मिलके गए थे और आज पैदल पैदल ही गए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरी स्कूटी में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग पैदल पैदल गए। पिकू को छोड़ के आए हैं अभी जस्ट, देखो 8:30 बजते आ गए हैं, 8:30 बज गए हैं, प्रॉपर दिख नहीं रहा है। लाइटिंग का जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मेरे यहाँ पे। और जो है ना अभी 8:30 बज गए, तो अभी बैठ के थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स करेंगे 5-10 मिनट, उसके बाद में मैं काम करूँगी। और आज जो है थोड़े से फटाफट से काम निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि जो है ना मुझे आज आलू चिप्स भी बनाने हैं, मतलब मैंने रात में ही करके रख दिए थे, अभी सिर्फ उसको बॉईल करके जो है ना सुखाना है। पिकू को स्कूल में छोड़ के आने के बाद में जो है ना मैंने अपने थोड़े बहुत काम निपटाए और फिर से पिकू को लेने चली गई थी, क्योंकि पिकू का आज बिल्कुल मतलब जो है ना 2 या 2.5 घंटे का ही स्कूल था,
तो इतने में सिर्फ मेरे काम ही हो सके, क्योंकि टप्पू उठ गया था, और टप्पू उठने के बाद में मेरे काम जो है ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो है ना मैं रोज़ टप्पू उठने के पहले ही काम करती हूँ, तो टप्पू जो है ना जल्दी नहीं उठता है, तो उस टाइम तक मेरे काम निपटते, बट आज टप्पू उठने की वजह से मेरे काम ही नहीं हुए। तो मैं पीकू को जो है ना लेके आ गई स्कूल से, उसके बाद में फिर अभी जो है ना मैं मेरा चिप्स बनाने वाला काम कर रही हूँ, अभी भी थोड़े काम बाकी है, और ये सुखाने में जो है ना पीकू मुझे हेल्प कर रही थी, तो वैसे आज ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही थी मैं, बट फिर भी एक हेल्प अगर किसी के मिल जाए तो अच्छा होता है, और पीकू को ये सारी चीज़ें करने में जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी जो गर्मी के सीज़न में हम लोग बनाते हैं ना ये सारी चीज़ें, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब पसंद है मुझे बनाना। और दिन भर के काम के बाद में शाम में हस्बैंड ने बोला कि जो है ना चलो मैं तुमको घुमा के लाता हूँ, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो कहा कि चलो हम आइसक्रीम खा के आते हैं। हम लोग गए थे आइसक्रीम खाने के लिए, और ये एक सिटिंग एरिया है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे चेयर लगे हैं, यहाँ पे बहुत से मतलब मोस्ट ऑफ द 70-80% यहाँ पे जेंट्स होते हैं, बहुत कम लेडीज़ होती है, बट मैं कभी कभी चली जाती हूँ विवेक के साथ में बैठने के लिए, यहाँ पे बैठने के बाद इतना अच्छा सुकून लगता है। यहाँ पे देख सकते हो आप शिवाजी महाराज का जो है ना एक स्टैचू भी बना हुआ है, यहाँ पे ये वाला वाटर फाउंटेन जो है ना ये भी है छोटा वाला, मतलब बैठ के यहाँ पे बहुत सुकून लगता है, लोगों की जो है ना चहल पहल चालू रहती है, तो आपका दिन भर का जितना भी थकावट हो ना आप लोग आपको बहुत मतलब एक सुकून मिलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छी सी एकदम महंगी सी जगह पे जाने के बाद में ही सुकून मिलेगा, छोटी सी छोटी जगह पे जाके भी जो है ना आपको सुकून मिल सकता है। तो इस तरीके से उसके बाद में जो है ना मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया, कि नेक्स्ट डे का व्लॉग है। पीकू का टिफ़िन बन रहा है यहाँ पे, तो पीकू के लिए मैंने आज सिंपल सी जो है ना आलू की जो है ना सूखी वाली सब्जी बनाई है, और उसी के साथ में जो है ना मैं उसको पराठे करके दे रही हूँ टिफ़िन के लिए, और उसका टिफ़िन मैं पैक कर दूंगी, और उसके आज स्नैक्स में जो है ना मैंने चिप्स जो कल हमने बनाए थे वो अच्छी तरीके से सूख गए थे, तो वो थोड़े से फ्राई करके उसको दे दिए हैं कि उसके स्नैक्स वाले जो टिफ़िन में जो है ना चिप्स चले जाएंगे। और अभी यहाँ पे मैंने पीकू को जो है ना दूध और पराठा दे दिया है, पीकू रेडी हो गई है, बस उसके बाल बनाने हैं, तो मैं भी टिफ़िन पैक करके उसके जो है ना बाल बना दूंगी, और फिर पीकू को जो है मैं छोड़ने के लिए चली जाऊंगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के और साबूदाना जो होता है ना उसकी चकलियाँ बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत पसंद है साबूदाना और आलू की चकलियाँ, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आलू जो है ना बॉईल कर रही हूँ, कुकर में इतने आलू नहीं आ रहे थे, तो मैंने एक बर्तन में और जो है ना आलू इंडक्शन पर चढ़ा दिया था, और मैंने भी अपने लिए थोड़े से चिप्स जो है ना वो फ्राई कर लिए, और घर में जो है ना थम्स अप रखा हुआ था, तो मैंने सोचा वैसे सुबह सुबह तो ये सारी चीज़ें पीनी अच्छी बात नहीं है, बट जब दिल करता है ना वो चीज़ खा लेना चाहिए, और इस टाइम पे टप्पू सोया हुआ था, और जब टप्पू सोता है ना उस टाइम पे मैं एकदम रिलैक्स मोड में अच्छे से आराम से खाते रहती हूँ, और टप्पू जब उठता है ना बहुत शैतानी करता है। और यहाँ पे जो है ना मैं अपनी डायरी ढूंढ रही थी, जो मेरी टू डू लिस्ट वाली डायरी है ना वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे जो है ना अपना वो भी काम निपटा लेते हैं, खाते भी जाऊँगी और अपना जो है ना टू डू लिस्ट का भी बना लूँगी, तो वही मैं देख रही थी, मुझे वो नहीं मिली, कहाँ है याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठ गई। किसी भी नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक वाला कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो ये आफ्टरनून इवनिंग में खाना चाहिए, मॉर्निंग में नहीं खाना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, बट क्या करें, आपका कभी अगर दिल आ जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर दिल आ जाए वो खा ही लेना चाहिए, ऐसे रखना नहीं चाहिए दिल, तो इस वजह से मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी। और मेरे इस टाइम पे जो है ना कुछ भी काम नहीं हुए हैं, ऑनेस्टली बताओ तो कुछ भी काम नहीं, घर में झाड़ू भी नहीं लगा है, पीकू को बस छोड़ के आई हूँ मैं स्कूल में से, और आते से ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये खाना चाहिए, तो मैंने फटाफट से चिप्स फ्राई करके मैं यहाँ पे बैठ गई थी खाने के लिए। Thank you.
कल जो भी चीज़ें जो है ना मैंने बनाई थी वो चीज़ों को थोड़ा सा धूप लगा दिया मैंने, मतलब बाहर रख दिया है, वो सूखते रहेंगे। तब तक मैंने अपने काम कर लिए और टप्पू उठ गया था, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आज मैंने जैसे कहा कि साबूदाना और आलू की चकलियाँ बनाने वाली हूँ, तो मैंने कल ही साबूदाना जो है ना भिगोया था, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा साबूदाना निकाल के उसकी खिचड़ी बना ली। और आज का जो साबूदाना है मैंने चकली के लिए थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के भिगोया था, तो इस वजह से हम लोग की खिचड़ी भी जो है ना थोड़ी गीली गीली बनी है, एकदम सूखी सूखी सी, ड्राई ड्राई सी नहीं बनी है। बट फिर भी मैंने जो है ना उसमें बॉयल आलू और मूँगफली वगैरह डाल के साबूदाना बनाया है, और ये टप्पू के लिए और मेरे लिए निकाला है मैंने। हम दोनों यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद में मैं लगी हूँ यहाँ पे अपनी चकलियों की प्रिपरेशन के लिए। ये चकलियाँ जो होती है ना, साबूदाना ज़्यादा अगर आप बॉईल वाले आलू डालते हो ना तो बहुत अच्छे टेस्ट आती है, तो वही बस मैं बना रही हूँ। टप्पू देखो अपना खाना छोड़ के मेरे पीछे लग गया था, तो ऐसा ही होता है जो भी काम करने जाते हो ना, अगर आपका छोटा बेबी है तो वो बीच बीच में आपके आके जो है ना आपके 5 मिनट के काम को जो है ना 10 घंटे में जो है ना कन्वर्ट कर देता है। ये सबके साथ होता होगा। तो बस चकलियाँ वगैरह बनाई एंड इसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, तो यहीं तक का था मेरा आज का ब्लॉग।